पीएच कैलकुलेशन ऑफ NH4Cl, NH4Cl का हम लोग पीएच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि NH4Cl क्या है, साल्ट है, साल्ट। तो इसका पीएच कैलकुलेशन हम करते हैं बाय यूज ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस इक्वेशन। तो हम लोग आसान मेथड से NH4Cl का पीएच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके बारे में देखना है। मान लो कि हमारे पास 10^-2m NH4Cl दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड, और इसका पीएच कैलकुलेशन करना है। और गिवन डाटा दिया हुआ है, केबी ऑफ NH4OH का डाटा दिया हुआ है, केबी ऑफ NH4OH का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 × 10^-5। प्रॉब्लम में लॉग 1.8 = 0.26, ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि NH4Cl को डिसोसिएट करेंगे, और जब NH4Cl को डिसोसिएट करेंगे तो NH4Cl को डिसोसिएट करने के बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा NH4+ और Cl-। NH4Cl का कंसेंट्रेशन हम लोग के पास कितना है, 10^-2 दिया हुआ है, ये 0.0 होगा बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन ये क्या होगा, यहाँ पर 0, पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा, क्योंकि कोई भी साल्ट 100% डिसोसिएट होगा जिसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 10^-2m और 10^-2m। Cl- का नेचर कैसा होता है, तो नेचर ऑफ Cl- इज न्यूट्रल। बहुत और बतला चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा जो भी एनायन मिलेगा उसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए वो कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखो NH4+ रिस्पॉन्सिबल है, NH4+ वाटर के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करेगा NH4OH और H+। तो अगर ये इस H+ के वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं तो पीएच का कैलकुलेशन काफी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको काफी आसान मेथड से हम लोग निकालेंगे। तो देखो हमारे पास क्या मिल गया, NH4Cl मिल गया, और NH4Cl में Cl- न्यूट्रल था, तो NH4+ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है NH4OH और H+, ठीक है। तो यहां पर केटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसका कंसेंट्रेशन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10^-2m। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग K के वैल्यू को निकालेंगे। ये जो K ऑफ NH4+ होगा इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा जाए तो K ऑफ NH4+ के बराबर होगा। अब देखो K NH4+ हम लोग निकालेंगे कैसे, कोई भी अगर वही बेस दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है, और इसका अगर मान के चलो हमारे पास बेस दिया हुआ है BOH, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू के भी दिया हुआ है, और यहां से अगर OH- हटा दें तो B+ मिलेगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग के बोलेंगे, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको हम लोग KH बोलेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10^-14 के बराबर होगा। ये दोनों साइड अगर लॉग ले लो तो इक्वेशन ये भी आ जाएगा, PKB+PK इज इक्वल टू 14, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहां पर KH का वैल्यू निकालना है, और KH का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन K और KB, इसका मल्टीप्लीकेशन 10^-14 के बराबर है।
तो हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, 10 टू दी पावर माइनस 14 बाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे k ऑफ kb ऑफ NH4OH, और प्रॉब्लम में kb ऑफ NH4OH दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 5 से, ये वैल्यू लगभग आ जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 10। NH4 प्लस किस प्रकार का एसिड है, ध्यान दो K का वैल्यू काफी कम है, 10 टू दी पावर माइनस 10 के रेंज में है, तो ये कैसा हो गया, इट इज वीक एसिड, और अगर वीक एसिड हो गया तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं पीके का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पीके का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, और निगेटिव लॉगरिथम ऑफ के 5.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 10, इसको लिख सकते हो 10 माइनस लॉग 5.6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.6 का वैल्यू 0.74 होता है, तो वैल्यू हो जाएगा 9.26, और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि NH4OH का जो PKB का वैल्यू होता है ये हो जाएगा 4.74, और ये वैल्यू 14 है, इसका मतलब ये वैल्यू 9.26 है। तो हमको ये पता चल गया कि NH4 प्लस का नेचर कैसा हो गया, NH4 प्लस का नेचर वीक एसिड है, और जब वीक एसिड है तो वीक एसिड का फॉर्मूला लगा सकते हो, pH इज इक्वल टू 1/2 pK माइनस log C, और यहां से कैलकुलेट करेंगे 1/2 pK का वैल्यू कितना हो गया 9.26 माइनस log 10 टू दी पावर माइनस 2 9 टू 11.26 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज इक्वल टू 5.63, तो पीएच का वैल्यू निकल गया। इसमें हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस का कोई भी अलग से इक्वेशन यूज नहीं किए, जो बुक में गिवन होता है, हम लोग इसका कैलकुलेशन किस फॉर्म में किए, तो जो वीक एसिड का फॉर्मूला होता है उसी का अप्लीकेशन करके NH4Cl का साल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम बनाया। तो जब भी हमारे पास एसिडिक साल्ट का प्रॉब्लम बनाना हो तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगा वीक एसिड का इक्वेशन का, और बेसिक साल्ट का अगर प्रॉब्लम बनाना होगा तो वीक बेस का इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। थैंक यू।